हेलो एवरी वेलकम बैक टू माई चैनल तो गाइज़ आज है हमारी क्लास 27 और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फुल अनारकली जो की जो हमारी ड्राफ्टिंग होती है उसको करना और गाइज़ इससे पहले भी जो है मैं ऑलमोस्ट आप लोगों को सभी तरह की फ्रॉक्स बता चुकी हूँ सिंपल फ्रॉक अम्ब्रेला फ्रॉक ए लाइन फ्रॉक और जो हमारी कोटी वाली जो जहाँ पर हम वेस्ट लाइन से अपनी जो है कलियाँ डालते हैं वो वाली और ये हमारी जो है लास्ट है अनारकली जो फुल अनारकली होती है वो जैसे कि मैं आप लोगों को थो थोड़ा ड्रॉ करके बता देती हूँ ये जो है हमारी इसमें हमारी फुल कलियाँ होती हैं इस तरह से पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक जो है हमारी इस तरह से ऐसे कलियाँ आती हैं इस तरह से तो ये हमारी जो है कुछ इस तरह से होती है मैं आप लोग को एक पिक्चर बना के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए तो ये हमारी जो है कुछ इस तरह से आती है ठीक है जी मतलब फुल जो हमारा नीचे तक का फ्लेयर होता है वहां पर ये शोल्डर से लेके नीचे हमारी बॉटम तक इसमें कलियां होती हैं और इससे पहले जो मैंने आपको बताई थी वो कुछ इस तरह से थी ये देखिए वो कुछ इस तरह से थी मतलब उसमें यहां से वेस्ट लाइन से जो है कलियां आई थी हमारी इस तरह से ठीक है जी तो आज जो है हम जो हमारी फुल अनारकली होती है उसकी ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे ठीक है जी तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं तो गाय सबसे पहले किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए होता है और मेजरमेंट जो है मैं आप लोगों को बॉडी से किस तरह लेते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ और हम सूट से किस तरह से लेते हैं वो भी मैं बचा बता चुकी हूँ और हम लोग किस तरह से जो है नाप निकालते हैं वो भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ जिसने भी नहीं देखा है जिसको भी ज़रूरत है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोग चेक कर लेना तो आज हम जिसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर आ, मतलब जिसके अकॉर्डिंग हम जो है ड्राफ्टिंग करेंगे वो मेजरमेंट कुछ इस तरह से है जिसमें हमारी टोटल लंबाई यानी कि लेंथ है फिफ्टी इंच ये पूरी जो है नीचे हमारे पूरे मतलब फुल लेंथ की ये मैं फ्रॉक बना रही हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है घटा बढ़ा सकते हैं तो जी हमारी जो लंबाई है वो है फिफ्टी टू इंच यानी कि बावन इंच और जो हमारा शोल्डर है वो है चौदह इंच तो फोटीन इंच तो शोल्डर को हम हमेशा टू से डिवाइड करते हैं तो आएगा हमारा सेवन इंच और चेस्ट यानी कि छाती है हमारी चालीस इंच तो जो छाती और कमर और हिप होती है हमारी तो उसको जो है हम हमेशा चार से डिवाइड करते हैं तो चार से डिवाइड करने पर आएगा हमारा दस इंच वेस्ट है हमारी थर्टी सिक्स इंच तो फोर से डिवाइड करेंगे तो आएगा नाइन इंच हिप है अगेन हमारी चालीस इंच तो चार से डिवाइड करेंगे तो आएगा दस इंच आप जो अनारकली फ्रॉक होती है उसमें ना आप हिप का नाप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं कुछ लोग क्या करते हैं जो वेस्ट लाइन होती है वहीं तक उन लोगों को फिटिंग चाहिए होती है फिर वो पूरा फ्लेयर छोड़ते हैं और कुछ लोग होते हैं जो हिप तक अपनी जो है फिटिंग देते हैं उसके बाद जो है फ्लेयर छोड़ते हैं मतलब पूरा जो है फ्लेयर हो रहता है तो वो आपकी अपनी मर्जी है आप चाहे तो वेस्ट लाइन से भी दे सकते हैं

तो हम लोग कलियाँ किस तरह से निकालते हैं ठीक है जी तो जो हमारा फुल अम्ब्रेला सॉरी फुल अनारकली जो फ्रॉक होती है ना तो उसमें जो हम अपनी कलियाँ निकालते हैं वो हम अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं ठीक है जी तो जो हमारी चेस्ट है वो है यहाँ पर चालीस इंच आ, तो गाइस जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसमें उसको हम जो है जितनी हमें कलियाँ चाहिए होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम कलियां किस तरह से निकालते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं नोट लिखवा देती हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि हम किसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं तो जो हमारी फुल अनारकली फ्रॉक होती है फुल अनारकली फ्रॉक में हम कलियां चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं ठीक है जी चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं ये हो गया हमारा फर्स्ट नोट जल्दी जल्दी नोट करते जाए कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए बाद में अच्छे से जो है अपना नोट किया कीजिए तो जी हमारा जो सेकंड नोट है तो जितनी भी हमारी चेस्ट होती है ना जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसे हम जितनी हमें कलियां चाहिए होती हैं जितनी हमें कलियां चाहिए होती हैं उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं ठीक है जी डिफरेंस समझना है आपने ये फुल अनारकली है हमारी ठीक है मतलब जो ऊपर से पूरी शोल्डर से लेकर नीचे तक नीचे बॉटम तक और जो हमने इससे पहले मैंने आपको बताई थी उसमें हम अपनी वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग अपनी कलियां निकाल रहे थे क्योंकि वो जो है वेस्ट लाइन से उसकी कलियां थी और ऊपर से उसमें चोली या कोटी जो भी आप कहते हैं वो थी ठीक है तो मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसे हम जितनी कलियां चाहिए होती हैं उस नंबर से जो है डिवाइड करते हैं जैसे कि जो हमारी चेस्ट है यहाँ पर वो है 40 इंच वो हमारी चालीस है तो मुझे मान लीजिए यहां पर जो है मुझे बीस कलियां चाहिए तो मैं बीस से इसको डिवाइड कर दूंगी तो ट्वेंटी टू जो फोर्टी तो जो हमारी एक कली आएगी वो आएगी दो इंच की और हमें टोटल चाहिए बीस कलियां ठीक है आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जैसे कि मुझे टोटल बीस कलियां चाहिए दस कलियां मुझे आगे चाहिए और दस कलियाँ पीछे चाहिए तो मैं बीस से जो है जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड कर दूंगी तो यहां पर जितनी इंच की हमने कलियां लेनी होगी ना वो हमारा निकल के आ जाएगा तो हमें जो है दो इंच की हमारी एक कली आएगी और हमें चाहिए टोटल बीस कलियां ठीक है जी अब आप लोग ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं ये इरेज करूंगी फिर कलियों का मेजरमेंट मैं यहां पर लिखूंगी और यहां पर जो है मैं आप लोगों को ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी तो अब हम यहाँ पर जो है अपनी कलियों का मेजरमेंट लिख लेते हैं तो जो कली की हमारी लेंथ है वो तो हमारी टोटल जितनी लेंथ है उतनी ही होगी यानी कि 52 इंच और जो हमारी आ, कली की जो चौड़ाई आई है वो है हमारी दो इंच निकली है हमारी जो एक कली है वो दो इंच चौड़ी रहेगी जैसे कि मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाया और टोटल जो हमारी कलियां हैं टोटल जो हमारी कलियां हैं वो है यहां पर आ, बीस तो हमें टोटल बीस कलियां चाहिए जिसमें हमारी कली की जो चौड़ाई रहेगी वो दो इंच रहेगी और जो लंबाई रहेगी हमारी वो बावन इंच रहेगी ठीक है जी आई होप कि आप लोगों को जो भी मेजरमेंट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा अब चलिए हम इसकी जो है ड्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं तो जी सिंपली जो है आपने अपने कपड़े को पहले इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड में बिछा लेना है डबल आप चाहे तो सिंगल भी बिछा लें अगर आप लोग जो है पहली बार कट कर रहे हैं या आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पहले उसे सिंगल ही बिछाएं ठीक है जी तो देखिए इस तरह से जो है हमने अपने कपड़े को इस तरह से ऐसे बिछा लेना है अगर डबल बिछाएंगे तो दो कलियां आपकी एक साथ निकलेंगी और अगर आप सिंपल बिछ, इस, मतलब सिंगल बिछाएंगे तो एक कली आपकी एक साथ निकलेगी ठीक है जी मान लीजिए ये हमारा पूरा फैब्रिक है जिसको हमने सिंगल इस तरह से ऐसे बिछा लिए है अब हमने क्या करना होता है सबसे पहले जो है हम लेंथ का निशान लगाते हैं तो जो हमारी लेंथ है वो है फिफ्टी टू इंच बट जब भी भी आप जो है अनारकली फ्रॉक कट करें तो अपनी जो लंबाई है उसको आप दो या तीन इंच जो है एक्स्ट्रा लेके चले लंबाई में क्यों क्योंकि जब हम इसमें कलियां जोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है हमारा थोड़ा सा मार्जिन में कभी कुछ कभी कुछ तो वो हल्का सा नीचे से छोटा बड़ा आता है तो ताकि जब आप उसको पूरी कलियां जोड़ लें और उसको आप बिछाएं अच्छे से तो आप उसके फ्लेयर को कट कर कर बिल्कुल एक जैसा कर सके तो इसलिए आपने जो है दो, दो इंच करीबन आपने जो है एक्स्ट्रा लेकर चलना है ताकि आपका बाद में जो है लेंथ छोटी ना हो बड़ी होगी तो आप उसे कट कर कर निकाल देंगे लेकिन अगर छोटी होगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी मतलब आपकी लंबाई कम हो जाएगी ठीक है जी तो सबसे पहले जो है हमने इस तरह से ऐसे अपने फैब्रिक को बिछा लिया है अब जो हमारी लेंथ है हम उसका निशान लगा देंगे तो हमारी, तो जी जो हमारी लंबाई है अनारकली की वो है फिफ्टी टू इंच तो मान लीजिए ये जो हमारा पूरा ये जो फैब्रिक है वो हमारा पूरा फिफ्टी टू इंच का हमने ले लिया ठीक है अब हमने क्या करना है जो हमारी कली की चौड़ाई है यानी कि विद जो उसकी आई है वो आई है हमारी दो इंच दो इंच हमारी आई है विद लेकिन हम इसमें एक इंच प्लस करेंगे क्यों करेंगे एक इंच प्लस फोर मार्जिन फोर मार्जिन हम इसमें एक इंच प्लस करेंगे तो ये हमारी तीन इंच आ जाएगी ठीक है yeah. एक इंच क्यों प्लस करेंगे जैसे कि ये हमारी एक कली हो गई ठीक है अब इसमें जब हम दूसरी कली जोड़ेंगे तो हमें हाफ इंच इधर से चाहिए होगा और जब हम इसमें एक और कली जोड़ेंगे तो हाफ इंच हमें इधर से चाहिए होगा तो इस तरह से जो है हमें एक कली में जैसे ये हमारी एक कली है तो हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर हमें सिलने के लिए चाहिए होगा तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है एक इंच ऐड कर लिया है तो हमें जो हमारी कली की चौड़ाई है वो चाहिए हमें यहाँ पर जो है तीन इंच ठीक है तो हमने क्या करना है सिंपली जो है हम ऊपर तीन इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे ये मान लीजिए हमारी कली की चौड़ाई है विद मार्जिन सिलाई के मार्जिन के साथ अब बारी आती है कि हम नीचे कितनी जो है अपनी चौड़ाई रखें तो गाइज आपने जो नीचे आ, आपकी जो जो कली की बॉटम रहेगा नीचे वाला तो वो जो है आपने अपने अकॉर्डिंग और अपने कपड़े के अकॉर्डिंग रखना है अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल सी फ्रॉक बनानी है तो आपने क्या करना है आपने सीधा उठाकर ऊपर वाला जितना आपका है उससे आप नीचे वाले को डबल कर दीजिए यानी कि छः ले ली लीजिए आप बारह ले सकते हैं आप आठ ले सकते हैं आप दस ले सकते हैं जिसके जितना भी आप लें जिस अकॉर्डिंग भी आप लें आपने या तो आपने अपना फ़ैब्रिक देखना है या आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग ले सकते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं तो बस मतलब यही एक होता है कि आपने अपने अकॉर्डिंग ये लेनी होती है तो मान लीजिए हमारा वो तीन आ रहा है तो मैं ये जो हमारी नीचे का जो इसका घेरा रहेगा वो मैं दस इंच रख रही हूं एक कली का ठीक है आप छह भी रख सकते हैं आप सात भी रख सकते हैं आप आठ भी रख सकते हैं दस भी रख सकते हैं बारह भी रख सकते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है इस तरह से हम निशान लगा देंगे और अब इस निशान को जो है हमने इस तरह से ऐसे मिला देना है ये देखिए इस तरह से इस तरह से ऐसे मिला देना है अब हम क्या करते हैं जो ऊपर वाला हमारा निशान होता है उसको नीचे कर देते हैं और नीचे वाले निशान को ऊपर कर देते हैं हम ना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं तो यहां पर हम तीन पर निशान लगाएंगे यहां पर हम दस पर फिर यहां पर हम दस पर लगाएंगे और यहां पर तीन पर ठीक है तो पहले मैं इसको मिला देती हूं तब आपको अच्छे से क्लियर होगी और अभी एक बात मैं और बताऊंगी आप लोगों को ये देखिए इस तरह से खास अब यहाँ की डायरेक्शन हम दोबारा चेंज कर देंगे यहाँ पर तीन इंच लेंगे और नीचे दस इंच तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा आया है ठीक है अभी हमारा यहाँ पर आ गया है ठीक है तो इस तरह से जो है हमने कलियाँ लेनी है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पहले वाले की ही तरह मतलब मैंने जो है कलिया कटिंग करना बताया है लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ भी मार्जन नहीं रखते हैं जैसे मैंने जो मार्जिन रखा कली में वो मैंने सिर्फ सिलाई का रखा हम ना चेस्ट का मार्जिन रखते हैं ना वेस्ट का मार्जिन रखते हैं क्यों नहीं रखते हैं क्योंकि देखिए जो हमारा ऊपर का जो साइड होगा यानी कि आ, मैं आपको बनाकर ये देखिए एक मिनट रुकिए आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए ये मान लीजिए हमारी फ़्रॉक है ठीक है कली वाली अब जब हम इसको बनाते हैं तो मैंने इसके अकॉर्डिंग मतलब चेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपना ये सारा कुछ जो है कलियों का नाप लिया है और उसके अकॉर्डिंग ये हम लेते हैं लेकिन जब हम ये ऐसे कलियां जोड़ लेंगे तो हमारा ये बिल्कुल एक ऐसे बनकर तैयार हो जाएगा और जब जो हमारी कली है वो ऊपर से हमारी पतली रहती है लेकिन जब हम इसको नीचे ऐसे लाते हैं तो वो थोड़ा सा जो है इसकी ये चेस्ट लाइन तक क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर हमारा सात इंच होगा फिर यहाँ पर जो है हमारा तेरह इंच होगा क्योंकि जो हमारी चेस्ट लाइन होगी वो ऊपर से हमारी सात इंच पर रहती है और जो हमारी वेस्ट लाइन रहती है वो ऊपर से तेरह या चौदह इंच पर रहती है ठीक है तो जब हमारी ऊपर से कली हमने तीन इंच रखी है तो वो जब नीचे तक आएगी ना तो वो थोड़ी सी ऐसे फैलती हुई आती है इस तरह से तो वो हमारा जो है मार्जिन इस तरह से ऐसे फैलता हुआ आता है तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है खुद से ही हमारी कली जो है वो चौड़ी हो जाएगी तो वो जो है हमारा पूरा जो है अगर एक कली में हमारा हाफ इंच भी जो है अगर बढ़ेगा तो यहां पर जो है हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी ढिलाई विलाई सबके अकॉर्डिंग जो है हमारा आ जाएगा तो हमें मतलब कोई भी जो है मार्जिन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऊपर से हमारी कली पतली होती है और फिर जब हम उसको जो है इस तरह से ऐसे शेप के अकॉर्डिंग सिलते हैं तो यहां पर आकर हमारी कली चौड़ी हो जाती है फिर यहां पर आकर और चौड़ी और फिर नीचे जाकर पूरी जो है जितना हम फ्लेयर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाती है तो इसलिए जो है हम कोई भी मार्जिन नहीं लेते हैं इसी में हमारा मार्जिन जो है वो एडजस्ट हो जाता है ठीक है जी तो गाइज ये थी हमारी जो है कली वाली फ्रॉक की ड्राफ्टिंग अनारकली फ्रॉक की ड्राफ्टिंग आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा आप लोगों को समझ आया होगा और अभी भी समझ नहीं आया है तो जब मैं आप लोगों को इसकी कटिंग दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इन और जब मैं इसको सिल के बताऊंगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा तो और जिसने नहीं देखी है पहली वाली कटिंग्स तो वो जाकर देख लें पहले वाली स्टिचिंग कटिंग और ड्राफ्टिंग उन सबके वीडियोज़ जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और गाइज़ देखा कीजिए मुझे बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप लोग बिल्कुल अच्छे व्यूज़ नहीं देते हो तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती हूँ यही रीज़न है कि मैं वीडियो जल्दी से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लास की वजह से क्या होता है मैं बहुत मुश्किल से वीडियो कर पाती हूँ और फिर जब उसमें व्यूज़ नहीं आते ना तो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब एकदम मन नहीं करता फिर बनाने का फिर एक वो होता है तो इसलिए जो है आप लोग मतलब व्यूज़ दिया कीजिए यार एक लाख अस्सी हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं हमारे अलहद लेकिन व्यूज़ यार इतने कम दो हज़ार डेढ़ हज़ार दो हज़ार डेढ़ हज़ार मैं ना... गई ये सब देख देख के तो प्लीज यार शेयर शेयर किया किया करो करो वीडियो जितना हो सके उतना किया करो ताकि लोग देखें और व्यूज आए थोड़ा और मेरा मन करे ताकि मैं डेली क्लासेस लूँ ठीक है जी तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पर जो है मैं आप लोगों के पर्सनल कॉमेंट का जो है आंसर भी कर सकती हूँ और जो भी ड्रेसेस मैं बनाती हूँ वहां पर मैं जो है उसकी पिक्चर अपलोड करती हूँ तो वो आप लोग देख सकते हैं तो आई होप कि आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा हेल्पफुल रहा हो, रहा हो और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़